नानकमत्ता कमेटी के कार्यवाहक प्रधान ने चुनाव अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हो रहे चुनाव को लेकर मौजूदा कमेटी के कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने चुनाव अधिकारी पर निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए जाने के आरोप लगाए हैं। वहीं मौजूदा कमेटी के कार्यवाहक प्रधान सेवा सिंह ने बताया, उनका डायरेक्टर पद का पर्चा कैंसिल कर दिया गया है। वो तत्कालीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कार्यवाहक प्रधान के पद पर मौजूद हैं। वहीं प्रधान सेवा सिंह ने कहा, ऐसी क्या चूक हुई जिसकी वजह से उनका डायरेक्टर पद का पर्चा कैंसिल किया गया। इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी के द्वारा उनसे साझा नहीं की गई है। नवभारत समाचार, जनपद उधम सिंह नगर से रमेश यादव की रिपोर्ट। सभी हमारे सिख संतों को जो भी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। जब इस प्रक्रिया की 9 मार्च तक वापस होने की तिथि थी, कंप्लेंट की तिथि थी, शिकायत की, वो उसको छोड़कर 16 को आपत्तियां ली जा रही हैं, 17, 18, 19, 20 को उसका निर्णय किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है। इसके पीछे मात्र एक तरसेम सिंह जो जहाँ पर बैठा हुआ है उसका हाथ है, और जो हमने आपत्ति लगाई थी उस आदमी के, जब जो डिफाल्टर है 20 से एक 40 मिनट में 5.5 लाख रुपया तरसेम सिंह उसको दिया, जमा कर दिया और उसका पत्र बहाल कर दिए गए, जहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आज हम एडीएम साहब से सुबह से फ़ोन कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। अगर हमारा फ़ोन उठाया, हम उनके पास वहाँ पहुँचे तो कहने लगे, एक मिनट को हम आपके पास बात करते हैं। हम दफ्तर में बैठे और पीछे अपनी गाड़ी बैठ के चल दिए। इससे हमें ये उत्पन्न और शंका उत्पन्न हो रही है कि जहाँ पर बहुत बड़ी धांधली हो रही है और किसके दबाव में हो रही है, और केवल दबाव एक ही है तरसेम सिंह का। जैसे तो बात साफ हो गई, इस पर क्या शंका वाली बात है कि अगर हमारे 3 प्रत्याशी, तीनों को रद्द कर देना, ये तो साफ तो कर रहा है।